हल्द्वानी में खनन से जुड़े हुए व्यवसायियों और खनन कार्य से जुड़े हुए ट्रांसपोर्टर ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में बीते सोमवार को सरकार के खिलाफ अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस कारोबार से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि अगर सरकार इस खनन कार्य को प्राइवेट हाथों में सौंपती है तो फिर इससे जुड़े हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो जाएगा। प्रदर्शनकारियों का ये भी कहना है कि पूर्व में सरकारी एजेंसी के माध्यम से नदियों से खनन कार्य होता आ रहा है, लेकिन सरकार ने अब खनन रॉयल्टी को निजी हाथों में दे दिया है। इसके अलावा वाहनों की फिटनेस को भी निजी हाथों में सौंप दिया है, जिसके चलते अब वाहन स्वामी के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कारोबारियों ने सख्त लहजे में कहा है कि पूर्व की भांति नदियों से खनन कराया जाए, साथ ही फिटनेस को परिवहन विभाग के द्वारा किया जाए, वरना वे सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। विरोध दो मेन मुद्दे हैं हमारे, जो गोला हमारी निजी करी करने की जो सरकार सोच रही है, और हमारी जो प्राइवेट फिटनेस, जो प्राइवेट दोनों ही जो बड़े हमारे कार्य हैं, जो दोनों ही कार्य को निजी करना जा रही सरकार, हम उसका विरोध कर रहे हैं, यहाँ पर आए हैं। ये हमारे अभी जो विरोध चल रहे हैं 3-4 दिन से लगातार चल रहे हैं। आज हमने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और सरकार की कान पर अभी तक जू नहीं रहेंगी है। अगर नहीं 2-3 दिन में कोई फैसला आता है तो हम बाजार बंद चक्का जाम का निर्णय लेंगे और सारे व्यापार मंडलों से मिलकर बात करके और बाजार बंद कराएंगे और चक्का जाम करेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों, अगर निर्णय आता तो क्या दिक्कत हो जाएंगी? इससे जो पहले 1995 में वर्चस्व की लड़ाई थी, कई कई मर्डर एक साथ होते थे खनन को लेकर, वो दोबारा से उत्पन्न होंगी, वर्चस्व की लड़ाई होगी। मैं चाहूँगा मेरी गाड़ियाँ ज़्यादा भरें, ये चाहेंगे इनकी ज़्यादा गाड़ियाँ भरें, और इसी उसमें गोलीबारी होगी जैसे कि पहले कभी 1995 में होती थी। देखो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है ये गोला में ठेके में देने का जो फैसला लिया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी मेन भूमिका है वो यहाँ के पहले खनन के जो रह चुके राजपाल लेगा जी, वो तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं और राजपाल लेगा जी का सब करा धरा है। और हम इस हल्द्वानी को 1995 वाली परिस्थितियों में नहीं जाने देते, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सब कुछ यहाँ देखा है। अगर यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई होगी तो नौजवान एक अपराध की ओर जागा, इसलिए जो गोला से लोग जुड़े हुए हैं अच्छी खासी अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करके और फीस दे रहे हैं, हम ठेके का पुरजोर विरोध करेंगे। अगर सरकार ने हम लोगों की नौजवानों की बात नहीं मानी तो हम बाजार बंद और चक्का जाम, और जैसे 2009 की परिस्थिति हमने बाजार में और चक्का जाम जैसा करा था उसको तैयार है सरकार, हम इस बात के लिए तैयार है। देखिए सरकार को हम कई तरह से चेतावनी दे चुके हैं, आज हमने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है। सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि जो गोला की फिटनेस पूर्व की भांति गेटों में होती थी उसी तरह की जाए और फिटनेस का निजीकरण बंद किया जाए, और जो गोला को ये प्राइवेट सेक्टर में देने का प्रयास कर रहे हैं उसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1-2 लाख लोगों का रोजगार का सवाल है, अगर धामी जी नहीं माने इसके परिणाम 2024 में देखने को मिलेंगे। राजेंद्र सिंह नहीं, सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम हल्द्वानी बंद का भी आह्वान करने वाले हैं शीघ्र, जिसको लेकर हम लोग वार्ता कर रहे हैं विभिन्न संगठनों से, और इसको देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने अपना जो गुंडागर्दी के लोग यहाँ पे उत्तराखंड में लेकर आ रहे हैं इसे बंद करें। क्या मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री धामी जी को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप हमारे नज़दीक के जनपद के हैं खटीमा के, और आप नदी के बारे में हर चीज़ जानते हैं, आपके यहाँ भी शारदा चलती है और जो है गोला से भी आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो हमारी जो नदियाँ, जब से इन्होंने धामी जी हमारे मुख्यमंत्री बने लगभग 3 साल से हम लोग हमेशा परेशान हैं। पिछले बार हमारे गोला में रेटू की लड़ाई थी, 94 दिन का हमने आंदोलन किया, और इस बार जो है इन्होंने जो हमारे ऊपर ठेकेदार बैठ डाल दिए हैं तो उससे हमें बहुत निराशा है। वो ठेकेदार जो है मन मर्जी से हमारी गाड़ियों की फिटनेस में पैसे वसूल लें, वो ठेकेदार हमारे गोला में बैठ रहे हैं और वहाँ पर अपनी मन मर्जी से वो काम करेंगे जैसे पूर्व में चड्डा जी ने किया है, तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि खनन रॉयल्टी और गाड़ियों की फिटनेस निजी हाथों में देने के विरोध में हल्द्वानी में खनन कारोबारी पिछले 3 महीनों से अलग अलग तरीकों से धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने बाद भी खनन कारोबारियों की मांग पूरी नहीं होने से उनमें लगातार आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और उनका धैर्य जवाब देता जा रहा है, जिसके बाद सोमवार को भारी संख्या में खनन कारोबारियों ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में एकत्र होकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया और सड़कों पर ही प्रदर्शन करते हुए SDM कोर्ट तक पहुँचे, जहाँ सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए ज्ञापन दिया। हल्द्वानी से राहुल सिंह धर्मवाल की रिपोर्ट।